हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बनाने वाली हूँ सभी की फेवरेट और बच्चों की तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट मीठी बूंदी, जो प्रसाद में भी बनाया जाता है। और इसे बनाना बहुत आसान भी है और वो भी बिना किसी झारे के। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले मैंने एक कटोरे बेसन ले लिया है और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूंगी और इसको इस तरह से मिलाते जाऊंगी। और इसको मिलाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड कर लेंगे और इस बैटर को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक में रेड कलर डालेंगे और एक में येलो कलर। तो इसमें मैंने रेड कलर ऐड करके इसको अच्छे से मिला लिया है और इसमें मैंने येलो कलर ऐड कर लिया है। इसको अच्छे से मिला लेंगे एक दो मिनट तक। और ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है और अब मैंने गरम करने रख दिया था रिफाइंड ऑयल। और ये करछी तो सभी के पास रहती है तो मैंने इसी से इसको इस तरह से रख के और गोल गोल चारों तरफ से घुमा लेना है। और जब ये इस तरह से हो जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे। और अब हम येलो वाली बूंदी बनाएंगे। तो इस तरह से हम ऐसे इस करछी को पकड़ेंगे और इसके ऊपर से इस बैटर को डालकर अच्छे से चारों तरफ फैला लेंगे ताकि एक सामने इकट्ठा ना हो। अगर तेल अच्छे से गर्म है तो हमारी बूंदी नीचे नहीं चिपकेगी और अगर ऑयल थोड़ा ठंडा होगा तो वो नीचे चिपक जाएगी। और ये देखिए, मैंने दोनों को मिक्स कर लिया है। और अब हम लेंगे एक बर्तन, उसमें मैंने एक कटोरी चीनी ऐड की है और आधा गिलास पानी। और इसको अच्छे से चीनी को पिघलने देंगे। और इसमें फ्लेवर के लिए मैंने इलायची ऐड की है, एक इलायची डाली है। और इस तरह से हम बूंदी को भी इसमें ऐड कर लेंगे। इसको हम दो घंटे के लिए ढक्कन लगा के छोड़ देंगे ताकि चीनी को ये अच्छे से सोख ले। और ये देखिए, दो घंटे बाद देखिए कितनी अच्छी और बिना झारे की बूंदी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। और आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए कितना आसान है बूंदी बनाना, और वो भी बिना किसी झारे के। सिंपल और आसान तरीके से मैंने ये बूंदी बनाई है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।